सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूडीज फूड में। और आज हम बनाने वाले हैं कम तेल में बेहद ही टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता। तो चलिए बना लेते हैं। इसे कोई भी बड़ी आसानी से बनाकर खा सकता है। इसके लिए हमें ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं होती है। घर में ही जो सब्जियाँ होती हैं उसी से ही बड़ी आसानी से बन जाता है। तो चलिए अब इसको बना लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ले रहे हैं मुरमुरे यानी कि राइस पफ्स, और जिनको हम अपनी लोकल भाषा में चिलुआ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जितने भी आपके पास राइस पफ्स हैं या मुरमुरे हैं उनको ले लेंगे और पानी में 2 मिनट के लिए हम इनको भिगो देंगे। पानी में इनको 2 मिनट के लिए डालना है। इसमें थोड़ी सी मीठी वाली चनौरी भी पड़ी है, वो नीचे जम जाएंगी, उनको हम बाद में निकाल देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट के बाद अब हम इनको इस तरह से इनका पानी निचोड़ देंगे। ज़्यादा टाइट हमें नहीं निचोड़ना है, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हम इनको निचोड़ देंगे और दूसरे बर्तन में रख लेंगे। ये हल्के मैसी से हो जाएंगे। तो इनको मैंने पानी से निचोड़ कर अलग कर लिया है और अब इसमें डाल देंगे हम सब्जियाँ। जो भी सब्जियाँ आपको पसंद हैं आप वो सब्जी डाल दीजिए। मैं डाल रही हूँ प्याज, टमाटर, हरा धनिया और मटर, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया। आप चाहें तो कूट कर भी डाल सकते हैं या उबाल कर भी डाल सकते हो। और 1 आलू उबला हुआ। अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो उसकी जगह आप आलू को कद्दूकस करके भी डाल सकते हो या ब्रेड को पीस कर भी डाल सकते हो, ताकि ये जो बाइंड हो जाए, या फिर आप आटे का भी 2 चम्मच आटे का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे सामान हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले, जिसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्ची पाउडर, चाट मसाला। मैं इसमें बस इन्हीं मसालों का यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसमें सिर्फ नमक, लाल मिर्ची और चाट मसाला डाला है। आप चाहें तो भी मसाले ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने थोड़े मसाले यूज़ किए हैं और सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये मिश्रण नाश्ता बनाने के लिए एकदम तैयार है। अब मिश्रण को थोड़ा सा हम इस तरह से बाइंड करके देखेंगे। ये बाइंड होना चाहिए, तो एकदम परफेक्टली तैयार है मिश्रण। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण ले लेंगे और हल्के हाथ से दबाते हुए हम इसको एक टिक्की जैसी शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से सारे मिश्रण की हम टिक्कियां बना करके रख लेंगे। अब नॉनस्टिक तवा ले लेंगे, उस पर डालेंगे थोड़ा सा तेल और तवा पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हमको फ्लेम को मीडियम कर देना है। आँच ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए और सारी जो हमने टिक्कियाँ तैयार करके रखी हुई हैं उसको तवे पर इस तरह से रख देंगे। आँच को हमें तेज़ नहीं करना है, हमें इनको मध्यम आँच पर या धीमी आँच पर ही सेकना है। और जब एक साइड से ये सिक जाएंगी तो दूसरी साइड से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इनको इसी तरह से सेक लेंगे। जब ये दोनों साइड से सिक जाएंगी तो इनको गर्मा गर्म हम चाय के साथ, दही के साथ, सॉस के साथ, जैसे आप खाना चाहें वैसे इनको खा सकते हैं। मैं कर लेती हूँ अब इनको गर्मा गर्म सर्व। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।